उसको जो है उसका मैं खंडन करता हूं, ऐसा बयान उसको नहीं देना चाहिए, उसके लिए सब जी बराबर है। अब वो मुख्यमंत्री जी बन चुकी है, सब बराबर है, उसको प्रत्येक चाहे वो कोई भी नागरिक है और किसी भी पार्टी से जुड़ा है उसको उसकी सुरक्षा करनी चाहिए और उसको कानून का पालन करवाना चाहिए। और ये कहना चाहिए अगर किसी ने गुंडागर्दी करी, अगर किसी ने गुंडागर्दी कर दी वो तो बख्शा नहीं जाएगा, तब तो वो मुख्यमंत्री है, नहीं तो फिर तो वो जो है उसी गुंडा लिमिट में शरीक हो जाएगी, वही जी है। तो ऐसे कैसे जी जी होगा, बिल्कुल ऐसे नहीं हो सकता कि भाई वो उकसा के किसी को भी मार दे, किसी को कर दे। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो मुख्यमंत्री है चाहे वो कोई भी है। देश में अगर वो मुसलमान है तो मुसलमान का मतलब ये है मुकम्मल ईमान, और मुकम्मल ईमान जी का मतलब है वो अपने देश के साथ रहे, देश की प्रगति में साथ दे, देश की तरक्की में साथ दे और देश के प्रत्येक नागरिक का मान और सम्मान करे, वो मुसलमान है। वो जी नहीं है, वो नहीं है कि डंडा ठा के जो किसी को मारे, वो हिंदू भी नहीं है जो डंडा ठा के किसी को मारे। सनातन धर्म जी एक प्रेम का धर्म है, सनातन धर्म छोटे छोटा धर्म नहीं है, वो बहुत बड़ा धर्म है और जी प्रेम जी और प्यार का धर्म है। सनातन धर्म को जो मानता है वो जो है वो प्यार को मानता है, वो देश को मानता है। इन लोगों ने, कांग्रेस ने बताइए क्या किया, 100 साल तक दंगे ही हुए, 84 में दंगे जी हुए, बताइए सिखों को काट के रख दिया, क्या क्या कारण था, और वो इमरजेंसी लगा दी, बहन भाई भी अगर इकट्ठे जा रहे उनको भी नसबंदी कर दी, वो कौन सा कारण था भाई। तो इन्होंने कितने जुलम किए और जहां देखा वहीं अपना खंभा गाड़ दिया, वो आगे परचम ये हमारा है, ये क्या मतलब हुआ। आप ये बताइए एक व्यक्ति अरबोपति बन जाता है, एक व्यक्ति जो है इतनी संपत्ति जोड़ दे, ये क्या क्या है। अरे हमारे तो प्रधानमंत्री है उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उसके तो भाई भी मजदूरी कर रहे हैं, उसके तो जो है परिवार में भी आप देख सकते हैं ऑनलाइन है सब सिस्टम। आप ये देखिए हमारे जी प्रधानमंत्री को कुछ नहीं चाहिए, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कुछ नहीं चाहिए, वो साधु है, उन्हें काहे के लिए जोड़ना है। वो तो इतने कानून के पालन करने वाले हैं, पिताजी की डेथ हो गई, ये पहले मुख्यमंत्री है, पिताजी की डेथ हो गई उसमें भी नहीं गए, उन्होंने कहा कि जो है वहां भीड़ का ना करो और जो है पालन रखो क्योंकि कोरोना चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। चर्चा करेंगे आज जो इस वक्त बंगाल के हालात हो रखे हैं, वहां पर हिंदू समुदाय के कुछ लोग लगातार पलायन कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने इतना कहर ढा रखा उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां पर कि मजबूरन जिन लोगों ने बीजेपी का समर्थन किया, जिन लोगों ने बीजेपी के लिए सपोर्ट किया, जिन लोगों ने प्रचार किया और हिंदू समुदाय के लोग खासकर, वो लोग अब बंगाल से मजबूरन पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। इस पर चर्चा करेंगे खुर्शीद मलिक जी से कि वो जो चीजें हो रही हैं अब बंगाल में उस पर क्या कहना चाहेंगे और उसको किस तरीके से देखते हैं। कि एक तो इस पर चर्चा करेंगे कि जो मीडिया ने इस पर चुप्पी साध ली है, इस पर एक शब्द बोलना जरूरी नहीं समझ रहा है मीडिया, और विपक्ष के नेता भी शांत हो गए हैं। तो चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं खुर्शीद मलिक जी क्या सोचते हैं। सर, तो पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा आपसे कि जिस तरीके से इस वक्त बंगाल में बुरे हालात हो रखे हैं, टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा वहां पर जिन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया या जिन्होंने बीजेपी के लिए प्रचार किया, कार्यकर्ताओं को बुरी तरीके से पीटा जा रहा है, उनके घरों में घुसा जा रहा है, उनके ऑफिसों को तोड़ा जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। जय हिंद, मेरे देशवासियों को सबसे पहले मैं जय हिंद कहूंगा जी और ये दुखद घटना है इस पे मैं जो है खेद प्रकट करूंगा। और महामारी का काल है और बहुत बड़ी देश में आपदा चल रही है, और ये सोचना चाहिए चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम है चाहे सिख है चाहे ईसाई है, हम सब आपस में भाई भाई हैं। पार्टी एक राजनीतिक होती है, आदमी जो है अपने दिल की इच्छा से मन की इच्छा से चूज करता है, भाई कोई कांग्रेस चूज करता है, कोई बीजेपी चूज करता है, कोई समाजवादी कोई बहुजन, ये तो व्यक्ति का जी अपना व्यक्तिगत वो है। लेकिन ये पहली बार हमने देखा है कि ऐसे किसी कार्यकर्ता पे उसका उत्पीड़न करना, उसका जो है ऑफिस जला देना या उसको मारना पीटना,
और उन्हें मजबूर कर देना, ये बड़ी दुखद घटना है जी। और इस पे जो है मैं ममता बनर्जी को ये कहना चाहूंगा कि वो मुख्यमंत्री हैं, अब वो मुख्यमंत्री बन गई हैं तो वो जो है सारी जनता की मुख्यमंत्री है। जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी 130 करोड़ जनता की बात करते हैं, वो किसी एक की बात नहीं करते, वो किसी जाति विशेष की बात नहीं करते, वो जो है 130 करोड़ जनता की बात करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है, वो हमारे पूरे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, हमारी पूरी जनता की बात करते हैं और देश की बात करते हैं। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद उसको ये सोचना चाहिए और ये कार्रवाई करवानी चाहिए, जिसने भी ये घटना की उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और कानून जो है उसे सख्त से सख्त सजा दे। और ऐसा नहीं है कि भाई वो प्लान करने से ये हो जाएगा, प्लान करने से क्यों हो जाएगा, अरे दुश्मन के तो सामने डट के खड़ा होना चाहिए ना, प्लान नहीं करना चाहिए, डट के जवाब देना चाहिए। और हमारा जो है एक प्रतिनिधिमंडल भारत सरकार का आज गया है और वो छानबीन करेगा और देखेगा ये घटना कैसे हुई और कैसे प्लान हो रहा है, क्या मामला है, और दूध का दूध पानी का पानी छान के और वो निष्पक्ष उसमें कार्रवाई होगी। जी सर, एक चीज और देखी गई है कि वहां पर महिलाओं को भी बहुत बुरी तरीके से बेरहमी से पीटा जा रहा है, यहां तक कि उनके घरों पर जाकर उनको धमकियां भी दी जा रही है कि अगर तुम लोग बाज नहीं आओगे, बीजेपी को सपोर्ट करना नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारी बहू बेटियों का रेप कर देंगे। और यहां तक कि कुछ खबरें ऐसी भी निकल कर आई हैं कि वहां पर कुछ लड़कियों का रेप भी किया गया है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, गैंग रेप हो रहा है सर वहां पे? देखिए अगर ऐसा हो रहा है ये तो बड़ी दुखद घटना है, और वहां की मुख्यमंत्री जो है एक महिला है और उस महिला को सोचना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा अगर नहीं कर सकती तो फिर वो और क्या करेगी। हाँ अरे राजनीति का स्तर इतना थोड़े गिर गया भाई, इतना गिर गया कि एक बहू बेटी जो है हमारी बहन बेटी हमारी बहनें जो वहां सुरक्षित नहीं है, हाँ उनके साथ अत्याचार हो रहा है, ये बड़ा खेद का सवाल है और बड़ा दुखद समाचार है। अगर ये सत्य है जो आप कह रहे हैं तो ये बड़ा दुखद समाचार है, और मैं तो अपने प्रधानमंत्री जी से ये मांग करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द, और डेलीगेशन तो गया लेकिन जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई हो और जल्द से जल्द जो है हमारे कार्यकर्ताओं की सुरक्षा हो। कार्यकर्ता को तो ये तो कोई बात नहीं हुई, अरे ये देखिए हम वहां पर हमारी कभी 3 सीटें हो गई थी जी। सर एक चीज और देखी गई कि जो सोशल मीडिया है उस पर बीजेपी का काफी विरोध किया लोगों ने, कि क्या 303 सीटें आपको धरना करने के लिए दी गई थी कि आप लोग आपके कार्यकर्ताओं के साथ और वहां पर जो एक सपोर्टर है आपका या जो हिंदू समाज है वो आपको वोट देता है और उसी के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं और आप लोग 303 सीटें पाने के बाद भी शांति से धरना करने जा रहे हैं वहां पर, क्या कुछ ना कुछ तो इनको और एक्शन लेना चाहिए था, जनता ये भी मांग रही है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है प्रधानमंत्री पर, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, उसको पूरा देश देखना होता है। बहुत जल्द आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा कि कितनी जबरदस्त कार्रवाई हुई है, उनको बख्शा नहीं जाएगा जिन्होंने ऐसा किया है, ठीक है जिन्होंने ऐसा किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ऐसा नहीं है कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, कार्रवाई होगी। और मैं जनता को यह कहना चाहता हूं कि आप अपना मनोबल ना तोड़े, दुश्मन के सामने डट के रहे, डट के और डट के जवाब दें, और एक दिन वो आएगा हमारी भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में परचम लहराएगा और हम वहां पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। ऐसा नहीं है कि वही कार्यकर्ताओं को जो है पार्टी इग्नोर कर रही है, ऐसा नहीं है। इस बात जी, जी, तो जी। आपकी इस बात का खंडन करता हूं कि वो हमारी पार्टी इग्नोर नहीं कर रही है, वो विचार कर रही है, क्योंकि पढ़ी लिखी और समझदार लोग हैं, उसमें जाहिल लोग नहीं है भाई, वो जो है डंडा ठायर मार दिया जिसे चाहे, उसका घर जला दिया जिसे चाहे, वो रही दूसरी बात, ये हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो है ऐसी ऐसी जगह से भारतीय जनता पार्टी जीती जहां पूर्ण बहुमत मुसलमान था, लेकिन वहां जो है वो सीट निकली तो वो मुसलमान ने उसको वोट दी। पढ़ा लिखा मुसलमान चाहता है भारतीय जनता पार्टी को, पढ़ा लिखा युवा चाहता है भारतीय जनता पार्टी को,
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश के लिए वो काम करती है जो किसी ने आज तक नहीं किया। ये जी आप पूरी जनता ने देखा है, आप लोगों ने भी देखा है, ऐसे ऐसे काम किए। अब ये महामारी चल रही है, देखिए महामारी में कितनी लगे हुए, हर कार्यकर्ता लगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, हर कार्यकर्ता आरएसएस का लगा हुआ है, राष्ट्रीय सेवा संघ का कार्यकर्ता लगा हुआ है। तो ऐसा नहीं है, देखिए जो देश को चाहता है, जो देश को प्यार करता है, वो तो देश को प्यार करेगा, और जो देश को प्यार नहीं करता वो तो भाई देश में रहता वो जब भी प्यार नहीं करेगा। जो समझदार मुसलमान है, जो पढ़ा लिखा है, वो देश को प्यार करता है और देश में रहता है, शांति प्रिय चाहता है, और वो चाहता है चैनो अमन से और तरक्की से। देखिए तरक्की हो। जी बिल्कुल सर, एक चीज और है कि आप किस तरीके से देखते हैं जो ये ममता बनर्जी लगातार करवा रही है। ममता बनर्जी का एक वीडियो भी निकल के आया था जिसमें उन्होंने कहा है कि सीआरपीएफ को एक बार जो सेंट्रल फोर्सेस है उनको जाने दो, फिर हम बताएंगे बीजेपी के गुंडों को और बीजेपी के लोगों को कि हम क्या हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए साहब, ये तो सब लोग बोलते हैं, अरे विधि के विधान को तो विधाता जानता है। हाँ? अगर विधाता ने तेरी सांस खींच ली फिर क्या करेगी, फिर किसको कर देगी? ऐसा नहीं है, वो तो गलत सोच का बयान है। अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया है वो उनकी गलत सोच है और उसका मैं खंडन करता हूँ, वो बयान ठीक नहीं है। एक मुख्यमंत्री और जुम्मेवार पद पे बैठ के ऐसा बयान देगा तो वो गलत है। कुछ लोग बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जहां हार जाती है वहां पर वो दंगे करवाती है, जैसा कि कह रहे हैं कि लोग की दिल्ली में करवाए और फिर अब बंगाल में करवाए, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या ऐसा सही में है कि बीजेपी जहां हार जा रही है दंगे करवा रही है? अगर ऐसा है तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं हुए, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हुए थे और राजस्थान में क्यों नहीं हुए? जानना चाहूंगा सर आप क्या कहते हैं। सर इस पे तो पूरे देश को पता है। सर आप देखिए, ये जो है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये वो कहावत सिद्ध हो रही है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अरे भाई हम लोग ये थोड़े ही है भाई, आप एक बात बताइए, जब हम यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं थे 14 साल से, क्या हमने दंगा करवाया? क्या देश में हम नहीं थे? क्या हमने जो है भारत सरकार में नहीं थे? क्या हमने दंगा करवाया 14 साल से? हाँ कांग्रेस के टाइम में क्या दंगे नहीं हुए? हाँ आप ये बताइए, जहां जहां हमारी सरकार है कहीं वहां दंगा हो रहा है, और जहां नहीं है वहां क्यों हो रहा है? वहां हम नहीं करा रहे, वो हमें बदनाम कराने के लिए करा रहे हैं। ये देखिए, वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बदनाम हो, वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बदनाम हो। वो बदनाम करने की उनकी साजिश है, वो इसी साजिश से वो खेलते हैं। आपको पता है चुनाव में भी कितनी साजिश हुई है, वो यही साजिश कराते हैं। अरे ये तो एक बात बताइए, अगर हम लोग ऐसा करने लग जाए फिर कैसे होगा? ऐसा नहीं है, मैं इसकी बात को खंडन करता हूँ। ये जो है गलत इनका बयान है और ये गलत है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने तो देश के लिए वो काम कर दिए जो आज तक 100 साल तक ये नहीं कर पाए। जी सर, एक चीज और देखा गया कि आपका एक दासना में घटना होती है जिस पर एक जो लोग मतलब अपना एजेंडे के तहत जगहों पर पहुंचते हैं वो सारे लोग उठकर दासना पर रोने लगते हैं, सारे मीडिया चैनल दासना को दिखाते हैं। मात्र एक थप्पड़ की बात थी सर, गलत था वो भी, पर एक थप्पड़ की बात थी मात्र, वहां पर लोग उस पर रोने लगते हैं। पर वही घटना वैसे ही, जब उससे ज्यादा बुरी तरीके से घटना जब बंगाल में हो रही है जहां पर बुरी तरीके से पीटा जा रहा है वहां पर, तो सारा ये मीडिया, सारा विपक्ष जो ममता बनर्जी को बधाइयां दे रहा था, सब शांत है। किसी ने एक शब्द बोलना जरूरी नहीं समझा, किसी ने एक बार दिखाना जरूरी नहीं समझा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप दिल्ली बैठे हैं और मैं यहाँ बैठा हूँ और आप मेरे से वार्तालाप कर रहे हैं, तो सारी मीडिया ऐसी थोड़ा ही हो गई कि ममता बनर्जी के पक्ष की हो गई। अरे वो मीडिया ऐसी भी है जो देश को चाहती है और देश के पक्ष की है और देश के लिए काम कर रही है। ऐसा नहीं, कुछ चैनलों ने दिखाया है और वो सारी घटनाएं दिखा रहे हैं। और जो है, और हमारा डेलीगेशन आज चला गया है वहां और उसकी जांच हो रही है, और जो जांच में दोषी पाएगा उन पे कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई भी हो। जी
सर मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि एक बॉलीवुड का तबका है और कुछ ऐसे नेता भी हैं जो कहते हैं कि इस देश में मुसलमान को डर लगता है, कोई एक घटना ऐसी गलती मतलब कोई एक घटना निकल के आ जाए तो उस पर आ जाते हैं, बोलने लगते हैं इस देश का मुसलमान डरा हुआ है। तो फिर वही लोग यहां पर आकर क्यों नहीं बोल रहे हैं? एक सवाल तो ये रहेगा, और क्या देश का मुसलमान सच में डरा हुआ है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए सर, देश का मुसलमान किसी से नहीं डरा हुआ है। देश का मुसलमान तो भारतीय जनता पार्टी को चाहता है और उसके साथ है। और जी हाँ, देश के मुसलमानों को ये लोग अपनी रोटी सेकने के लिए, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दूसरी पार्टियां उसको डराती हैं, उसको जी डराती है कि भारतीय जनता पार्टी अगर आ गई है तो आपको देश से जाना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी आ गई तो आपको घरों से निकाल देगी, भारतीय जनता पार्टी आ गई तो आपको ये कर देगी। आप देखिए, मैं सहारनपुर में रहता हूं और सहारनपुर में 5 सेक्टर का मैं यहाँ अध्यक्ष हूं। मेरे पांच जी सेक्टर में जो है 1500 मकान बने, पंद्रह जी सौ आवास बनाए वो हमारे प्रधानमंत्री आवास विकास योजना के तहत। और उसमें जी 70-80% जो है मुस्लिमों के बने। अब वही जब भारतीय जनता पार्टी एक को थोड़ी, वो सबका साथ और सबका विकास और सबके विश्वास पे काम करती है। सबका जी साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पे काम करती है भारतीय जनता पार्टी। वैक्सीन जो लग रही है, कहीं उसमें ये जिक्र आ रहा है ये हिंदू की है या मुसलमान की है ये होगा? अरे इन्होंने तो वैक्सीन को भी ये कह दिया था ये बीजेपी की वैक्सीन है, इसको नहीं हम लगवाते हैं, हम जी अपनी बनाएंगे वो लगवाएंगे, फ्री लगवाएंगे। अब इनकी सोच तो गंदी सोच है, तो इनके साथ कैसे हम इनकी सोच से कोई वो नहीं रखते इत्तेफाक। ये जो करते हैं ये गलत करते हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी करती है वो देश के लिए करती है, अपने लिए व्यक्तिगत कुछ नहीं करती। जी